पंजाब के दिल लाहौर में, जहां बहुत ही तारीखी इमारतों की बाकियात और यादें दफन हैं, इनमें से एक शाही हमाम है जो अंदरून लाहौर में दिल्ली गेट पर मौजूद है। शाही हमाम पाकिस्तान की बहुत यादगार इमारत है जो तुर्की और ईरानी गुसलखानों की तर्ज पर बनाया गया था। इसे एक अवामी गुसलखाना के तौर पर डिज़ाइन किया गया था ताकि आने वाले मुसाफिरों के साथ साथ शहर के बाशिंदों की भी खिदमत की जा सके। शाही हमाम, जिसे वजीर खान हमाम भी कहा जाता है, एक तुर्की हमाम है जो शहनशाह शाहजहां के दौरे हुकूमत में 1635 ईस्वी में लाहौर में तामीर किया गया था। इसे मुगल दरबार के तबीब इल्मुद्दीन अंसारी ने बनाया था, जो बड़े पैमाने पर वजीर खान के नाम से मशहूर थे। इमारत है और तकरीबन 1050 मरबा मीटर के रकबे पर वाक़े है, जिसमें गर्म और ठंडे पानी के तालाब, स्टीम बाथ और मुतलका सहूलियात शामिल थी। इस हमाम में कुल 21 हमाम हैं, जिसमें 8 ठंडे, 8 गर्म और 5 स्टीम बाथ हैं, जबकि एक कमरा नमाज के लिए मखसूस था। शाही हमाम की एंट्रेंस पर एक बड़ा 8 पहलू हौज़ है, जिसके इतराफ़ में छोटे छोटे कमरों को चेंजिंग रूम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जबकि बाकी लोग पीछे बने कमरों में बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार किया करते थे। और ये ठंडे पानी का एक छोटा सा तालाब है। ऐसे छोटे छोटे तालाब इन मखसूस लोगों के लिए बनाए जाते थे जिनको हमाम की खिदमत का शर्फ हासिल था। दीवार में मौजूद इन सुराखों के ज़रिए पानी तालाब में आता था, जहां 3 लोग बैठकर नहाया करते थे, और ये इस तालाब का सीवरेज सिस्टम है। ۱۹۹۱ में जब शाही हमाम की मेंटेनेंस का काम शुरू किया गया, तो खुदाई के दौरान कुछ नवादरात मौसूल हुए, जिसमें बच्चों के खिलौने, घरेलू इस्तेमाल की कुछ चीज़ें शामिल हैं। गर्म तरीन हिस्सा है। हमाम के भट्टों के करीब होने की वजह से यहाँ इतना गर्म पानी आता था कि लोगों के पसीने छूट जाते थे। फर्श को इन जेरे जमीन सुरंगों के जरिए गर्म किया जाता था। कमरे के इतराफ में ठंडे पानी के लगन बने हुए हैं। शाही हमाम को अब बतौर हमाम इस्तेमाल नहीं किया जाता,
ये हमाम 2013 और 2015 के दरमियान आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़रिए बहाल किया गया था, जिसमें ज़्यादातर फंडिंग नॉर्वे की हुकूमत ने फराहम की थी। बहाली के मंसूबे को 2016 में यूनेस्को की जानब से हमाम के कामयाब तहफ्फुज पर अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया था, जिसने इसकी साबका शक्ल में बहाली की थी।